पहला है कपाल भाती। कपाल भाती में हम अपने पेट को अंदर के तरफ पुश करते हुए फोर्सफुली ब्रीथ आउट करते हैं, जिसके कारण हमारे पेट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। पेट की चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकलती है। पेट को हम जब बार बार अंदर के तरफ पुश करते हुए फोर्सफुली ब्रीथ आउट करते हैं, तब हमारी पेट भी इससे कम होती है। अब है प्लैंक। दोनों हाथों से ट्रायंगल बनाते हुए अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अब अपनी बॉडी की पूरी वेट पैर के फिंगर्स और इन हाथों पर इल्बो तक छोड़ें। आपकी पूरी बॉडी सतह से ऊपर रहेगी, सिर्फ पैर की फिंगर्स और दोनों हाथ इल्बो तक फ्लोर पर टिकी रहेंगी। अब अपनी बॉडी की पूरी वेट दोनों हाथों की हथेली और पैर की फिंगर्स पर छोड़ें। इस एक्सरसाइज से बेली फैट हमारी मेल्ट होती है और गायब हो जाती है। पेट पर हमारी काफ़ी दबाव पड़ता है। सीधे लेटते हुए अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करके चेस्ट के पास लाएं। ब्रीद आउट करते हुए नाक से घुटनों को टच करें। आप इस पोजीशन में ब्रीद को होल्ड भी रख सकते हैं। इस पोजीशन में कुछ देर रहें। पेट में दबाव होने के कारण पेट हमारी अंदर के तरफ पुश होती है और बेली फैट रिड्यूस हो जाती है। ये एक्सरसाइज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ करें। जब घुटनों के पास हेड को ले जाएं, तब ब्रीद आउट करें और वापस आएं तब ब्रीद इन। काफी स्पीड में ये एक्सरसाइज करें। पेट पर बहुत ही ज़्यादा दबाव होने के कारण पेट हमारी कुछ ही दिनों में कम हो जाती है। ये थी हेड टू नी क्रंच। सांस को अंदर भरते हुए दोनों पैर को ऊपर लाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को नीचे। पैरों को ऊपर नीचे एक साथ लगातार करने के कारण पेट पर काफी दबाव पड़ता है। बेली फैट मेल्ट होते हुए ख़त्म हो जाती है। पेट हमारी अंदर के तरफ पुश हो जाती है। योग में इसे उत्तान पादासना कहते हैं। दोनों पैरों को अपने सामने पैरालेल फैलाते हुए बैठें। दोनों हाथों को हेड के पीछे इंटरलॉक करते हुए ब्रीद आउट करते हुए हेड से घुटनों को टच करें। ब्रीद इन करते हुए हेड को ऊपर लाएं। लगातार हेड से घुटनों को टच करने के कारण पेट पर हमारा काफ़ी दबाव पड़ता है और इस तरह हमारी बेली फैट रिड्यूस हो जाती है। 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज करें। मोतासन तो रामबाण है बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। पेट की मसल्स पर काफ़ी दबाव पड़ने के कारण बाहर उभरी हुई पेट हमारी अंदर की तरफ
हमेशा के लिए चली जाती है। अब है बेली फैट रिड्यूस करने के लिए एक और कोबरा पोज। डीप इनहेल के साथ बॉडी की ऊपरी भाग उठाएं। कोबरा पोज में पेट पर काफी तनाव फील होता है और बेढंगी लटकी हुई पेट हमारी अंदर के तरफ चली जाती है। सांस छोड़ते हुए नीचे हेड को लाएं। पेट के बल लेटते हुए अपनी दोनों पैरों को अपनी दोनों हाथों से पीछे की तरफ से पकड़कर उठाएं। ये है धनुरासन। पेट की मसल्स पर दबाव पड़ने के कारण पेट हमारी कम होती है। करके अपनी दोनों हाथों और पैरों के सपोर्ट से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। चक्रासन में पेट में गर्मी पैदा होती है और बेली फैट हमारी रिड्यूस हो जाती है। धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लाएं। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे खड़े होकर भी चक्रासन आसानी से कर सकते हैं। खड़े होकर पीछे के तरफ धीरे धीरे अपनी बॉडी को बेंड करें। आगे है नौकासन। पीठ के बल लेटते हुए डीप इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। नाव की पोजीशन बनाते हुए इस पोजीशन में कुछ देर तक रहें। नौकासन में पेट पर काफी दबाव पड़ता है जिसके कारण पेट हमारी कम होती है। ब्रीद आउट करते हुए वापस आएं। अपनी हेड को घुटने के पास अगर लाएंगे तो बेली फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सीधे खड़े होकर अंदर सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड से घुटनों को टच करें। पेट पर काफी दबाव डालें। अंदर सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। बेली फैट कम करने के लिए 4 से 5 बार तक डेली यह योगासन करें।